हम ये देखते हैं कि आज की क्लास में कि एक्चुअल फ्लो को स्टैंडर्ड फ्लो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड फ्लो को एक्चुअल फ्लो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ओके, और इसका क्या फॉर्मूला है एक्सेट्रा, ठीक है, जस्ट गिव मी ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक्चुअली लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री, ठीक है, ये कंडीशन जो है वो एक्चुअल कंडीशंस कहलाती है। एक्चुअल का मतलब ये कि इंडस्ट्री में जो टेम्परेचर और प्रेशर उस वक्त एग्जिस्ट करता है वो एक्चुअल कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन यू ऑल नो अबाउट द स्टैंडर्ड कंडीशन दैट दिस इज द हाइपोथेटिकल कंडीशन जो कि ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उस पे उसको स्टैंडर्ड कंडीशन माना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये टेम्परेचर, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है विच इज इक्वल टू 14.7 PSI और 407 इंच वाटर कॉलम, ठीक है, किलो पास्कल में भी हम लिख सकते हैं इसको 101.325 किलो पास्कल। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन इंडस्ट्री में प्रिवेल नहीं करती, लेकिन हमें फ्लो को स्टैंडर्ड फ्लो में लाना पड़ता है इसलिए कि हम ताकि कंपैरिजन कर सकें किस चीज़ का किस चीज़ से कंपैरिजन कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमें अगर कंपेयर करना है लॉ से, गाइडलाइन से, ठीक है, या हमें कंपेयर करना है एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के इनलेट को आउटलेट से कंपेयर करना है, ठीक है, तो क्योंकि इनलेट का कंडीशन कुछ और होगी, टेम्परेचर प्रेशर वहाँ गैसेस की कुछ और होगी, और आउटलेट में जब वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम से गुजर के जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन चेंज हो जाती है, लिहाजा हम उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फ्लो में दोनों को लाना होगा और फिर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडस्ट्री में एक्चुअल कंडीशंस को हम कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेशन के जरिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, और फिर हम उसको करते हैं कंपैरिजन कर देते हैं। तो ये देखिए स्टैंडर्ड फ्लो का एक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फ्लो इक्वल्स टू यानी SCFM इक्वल्स टू ACFM मल्टीप्लाई बाय TSTP टेम्परेचर एट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एट STP टेम्परेचर डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ एक्चुअल, ठीक है, उस वक्त क्या टेम्परेचर है ये इसको डिवाइड उसे डिवाइड कर देंगे और पी एक्चुअल होगा, ठीक है, अपॉन PSTP। यह मैं आपको एक सॉल्व करके थोड़ा सा बताया था, ओके। ये देखिएगा कि SCFM ये ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा SCFM को ACFM में कन्वर्ट किस तरह से किया है। SCFM इक्वल्स ACFM, अच्छा यहाँ पर ये प्लीज ये क्वेश्चन पढ़िएगा, अ स्टैंडर्ड गैस स्ट्रीम हैज अ फ्लो रेट ऑफ 10,000 ACFM, ठीक है, अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अ प्रेशर ऑफ -6 इंच वाटर कॉलम, व्हाट इज द गैस फ्लो रेट इन SCFM, अज्यूम द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 407 इंच वाटर कॉलम, ओके। अब इस पे मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ पर हम टेम्परेचर क्या नोट क्या लेंगे और प्रेशर क्या लेंगे। सर टेम्परेचर 300 फ़ारेनहाइट जो है उसको रैंकाइन में कर देंगे और प्रेशर जो है उसको हम चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है, टेम्परेचर को हम किस में कर देंगे, 300 प्लस 460, ठीक है, क्या बन गया 760, प्रेशर। अब
यहाँ पर एक देखिएगा कि प्रेशर जो होता है ना, टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर इज बैरोमीट्रिक प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर, ठीक है। बैरोमीट्रिक प्रेशर क्या है यहाँ पर 407, प्लस इंटरनल प्रेशर क्या है -6, ठीक है। तो दिस इज द टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। सो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये 407 माइनस 6 क्या बन जाएगा, 401, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। और क्या है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर ही हमें चाहिए होगा, तो ये दो चीजें चाहिए होगी। अब ये देखिएगा कि ACFM, ठीक है, सॉरी SCFM इक्वल्स क्या हो जाएगा, ACFM यहाँ पर क्या गिवन है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्या वैल्यू होगी बताइए, TSTP अपॉन टी एक्चुअल। TSTP कितना है, TSTP हमेशा कितना होता है, 528 है, 528, वेरी गुड, 528 रन टाइम। TSTP जो होता है वो हमेशा होता है 528 रैंक का ही होता है, ठीक है, 528 रैंक का। और PSTP क्या होता है, वहाँ वो भी फिक्स होता है हमेशा, PSTP 407 वाटर कॉलम, वेरी गुड, 407 इंच वाटर कॉलम होता है, या फिर वो उसको आप ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 14.7, ठीक है, लिखते हैं, या फिर हम ये यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा यूनिट चल रहा है, 101.325 भी लिख सकते हैं अगर अमेरिकन, अगर CGS सिस्टम है तो किलो पास्कल में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अमेरिकन इंजीनियरिंग यूनिट इस वक्त यूज हो रहे हैं, तो हम सारी वैल्यूज उसी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ACFM लिख दिया हमने 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटरनल प्रेशर कितना हो गया, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर कितना हो गया, TSTP, सॉरी पहले TSTP लिखेंगे, ये जो TSTP है ये कितना है बताइए, हमेशा TSTP फिक्स वैल्यू होती है, 528 अपॉन, अब ये देखिए ये क्या है, टी एक्चुअल, हाउ मच इज टी एक्चुअल, 760, वेरी गुड, 760, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी एक्चुअल। अब देखिए अब यहाँ पर आ गए हम, पी एक्चुअल क्या होगा बताइए, ये वैल्यू होगी 407 माइनस 6 कितना बन गया, ये 401 डिवाइड बाय PSTP कितना होता है, 407, सर ये सेम रहेगी, PSTP और TSTP की वैल्यू फिक्स है, ये हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है, पी एक्चुअल और टी एक्चुअल हमेशा चेंज होगा, ओके। सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना हुआ इस SCFM क्या हुआ बताइए, फिर सिक्स थाउजेंड एटी फोर हंड्रेड
नहीं, 844 अच्छा ठीक है, 0.95 ठीक है। यस सर, 95 है, लिखा हुआ भी है। ये SAFM है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट, ये वैल्यू हो गई। अब जरा एक चीज देखिए, समझने की कोशिश करें कि ACFM में वैल्यू थी 10,000, ठीक है, ACFM में 10,000 की वैल्यू थी, ये था, ठीक है, और SCFM में वैल्यू हो गई 6,800, यानी ACFM से SCFM कम हो गया, स्टैंडर्ड फ्लो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ACFM जिस कंडीशन में था ना, वो हाई टेम्परेचर पे थी, ठीक है, हाई टेम्परेचर की कंडीशन थी। जब उसको हाई टेम्परेचर को जब आप लो टेम्परेचर यानी SCFM में आपने कन्वर्ट किया, लो टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, तो फ्लो कम हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही, सर सारे लोग इस बात को विजुलाइज कर रहे हैं कि जब हाई टेम्परेचर के फ्लो को लो टेम्परेचर पे ले आए, ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है कि अगर हम हाई वॉल्यूम गैस को लो कम टेम्परेचर कम कर दें, तो उसका हाई टेम्परेचर की गैस का अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है उसका, ठीक है ना। प्रेशर में खास चेंज नहीं था, प्रेशर तकरीबन उतना ही था, जरा सा फर्क आया प्रेशर में, 401 से कम बढ़ के 407 हो गया, प्रेशर में तो बहुत जरा सा फर्क आया, थोड़ा सा फर्क आया, ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर में फर्क था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, यानी हमने हाई टेम्परेचर की गैस को लो टेम्परेचर पे ले आया तो वॉल्यूम कम हुआ, जब वॉल्यूम कम हुआ तो फ्लो भी कम हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, डायरेक्ट रिलेशन ना, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, चार्ल्स लॉ की जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम पे से रिलेट करती है, और वही रिलेशनशिप जो है वो फ्लो पे भी सेम उसी तरीके से अप्लाई होती है। जैसे वॉल्यूम कम होता है या बढ़ता है टेम्परेचर चेंज होने से, उसी तरीके से फ्लो भी चेंज कम होता है या बढ़ता है टेम्परेचर के चेंज होने से। इज दिस ओके? सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि प्रेशर भी इसी तरह से अफेक्ट करेगा जैसे कि वो वॉल्यूम को अफेक्ट करता है बॉयल्स लॉ में, ठीक है, प्रेशर भी वॉल्यूम प्रेशर भी फ्लो को उसी तरह से कम या बढ़ा कम कर सकता है या बढ़ा सकता है अगर प्रेशर जो है वो चेंज हो। यहाँ पर प्रेशर में बहुत ज़रा सा फर्क आ रहा था, जो जो असल फर्क आ रहा था वो टेम्परेचर का फर्क आ रहा था, और उसकी वजह से यू सी दैट द वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड, द फ्लो हैज रिड्यूस्ड। ओके, नाउ वी आर चेंजिंग द कंडीशन अ बिट। ओके, यहां पर हम चेंज कर देते हैं, ACFM 12,000 है, ठीक है, ACFM है 12,000, ओके, टेम्परेचर इज 240 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑलराइट, एंड द प्रेशर इज 10 इंच वाटर कॉलम, ओके, प्लस में वैल्यू है 10 इंच वाटर कॉलम। So what is the standard flow of this gas? Assume the barometric, now the barometric pressure, यहाँ आपको assume नहीं करना, बल्कि यहाँ पर barometric pressure है 402 water column. The barometric pressure is 402 inch water column. अब आप मुझे बताइए कि यहाँ standard flow कितना होगा? If we convert this into standard flow, what will be the value?
में किया कैलकुलेशन। ओके हियर द SCFM द टेम्परेचर temperature equals how much 240 plus 460 sir 700 banega 700 the pressure total pressure equals 402 plus 4 10 अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताइए STP आएगा ना STP क्या है 407 देखिए एसटीपी पीएसटीपी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी वो फिक्स रहेगी टीएसटीपी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी फिक्स रहेगी ये जो दो चीजें ना टीएसटीपी पीएसटीपी ये फिक्स वैल्यूज हैं ये चेंज नहीं होगी जो स्टैंडर्ड ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड कंडीशंस की वैल्यूज हैं ये वही रहेंगी ठीक है अलबत्ता टी सर एससीएफएम मालूम करने आप यूनिट्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं ना अगर अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर वाटर कॉलम यूज होगा और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेट सपोज CGS सिस्टम तो हम यूज करेंगे किलो पास्कल ठीक है इसमें वाटर कॉलम ही हम इस्तेमाल करेंगे ओके आंसर फिर से इसका 7635.2 बनेगा मैंने गलत वैल्यू डाल दी थी ओके तो SCFM इक्वल्स टू या क्या हो जाएगा ACFM ACFM इज हियर 12000 ओके मल्टीप्लाई बाय क्या है टीएसटीपी टीएसटीपी इज द फिक्स वैल्यू क्या है टीएसटीपी की वैल्यू होगा ठीक है डिवाइड बाय क्या होगा सर 9162.6 आ रहा है गलत बटन दबा दिया मैंने ओके नहीं सर मैंने गलत किया था मैंने 12000 की जगह 10000 लिख दिया था सर 9162.625 आ रहा है ओके जी 412 डिवाइड बाय 407 ऐसे होगा क्या आया बताइए 916.625 SCFM. All right. So this is the correct answer. Standard flow equals 9162.625 SCFM. Okay. अच्छा अब इसके बाद हम एक question और करते हैं. ये देखिएगा
कि जिस तरीके से, अच्छा अगर हमें SCFM की जगह ACFM मालूम करना हो तो क्या करेंगे? If you want to do, सर जो ब्रैकेट्स टेम्परेचर की है उनको रिवर्स कर देंगे, जहाँ पे TSTP उसको T actual कर देंगे. Very good. What we'll do is we'll reverse the bracket. If we change the formula from ACFM to SCFM, ACFM अगर मालूम करना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि SCFM bracket T actual divide by TSTP, okay, times PSTP divide by PActual. ये हो जाएगा. ये सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है. STP वाला जो था वो नीचे आ गया और actual वाला ऊपर आ गया. Can you see my cursor? ये जो मैं माउस मूव कर रहा हूँ, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर. यस सर, आ रहा है. अब टी एक्चुअल अपॉन टी एस टी पी हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, और पी एस टी पी ऊपर चला गया और पी एक्चुअल नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम करना है ACFM मालूम करना है. इज दैट ऑल राइट? यहाँ में ACFM SCFM के बजाय मैं ACFM मालूम करता था, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे SCFM की. तो अगर आपको पास ये क्वेश्चन आएगा कि ACFM निकालना है, SCFM गिवन है, तो भी आप मालूम कर सकते हैं. ओके ठीक है सर. यस सर. सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू फाइंड. एक क्वेश्चन इसका कर लें. Yes, sir. Okay. A gas stream has a flow rate of 8,460 SCFM. ठीक है. The temperature is 240 degree Fahrenheit and the pressure is 10 inch water column. So find the flow rate in ACFM. Find the flow rate in ACFM. Sir, pressure in our barometric pressure जो है वो sir temperature 240 और pressure 10 है. हाँ, internal pressure 10 है और barometric pressure जो है वो 410 है. ठीक है. Sir आपकी आवाज कट रही है. Barometric pressure is 410. 410 watt inch water column. Can you see the values that I have written? मेरी values नजर आ रही हैं जो मैं लिख रहा हूँ? Yes sir. So please solve. Sir, answer 64. 6,485.31. 6,000 नहीं, गलत है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सर एक दफा टेम्परेचर. बैरोमीट्रिक प्रेशर. ACFM हम लिखेंगे इक्वल टू कितना होगा? SC. सॉरी सर, मैंने वो पिछले वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया. अब फॉर्मूला यहाँ पर डिफरेंट हो गया ना. यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिख लें, दोबारा कर लें. टी एक्चुअल है, ठीक है, टी एक्चुअल हो गया, ओके, डिवाइड बाय
टीएसटीपी मल्टीप्लाई बाय पी क्या होगा 11,000 एसटीपी हो जाएगा 11,035.96 डिवाइडेड बाय पी एक्चुअल और पी एस टी पी क्या है 1068.75 आ रहा है आंसर 1068 ठीक है नो सर 0.75 ठीक है पॉइंट्स पे कुछ फर्क पड़ गया तो इतना मसला नहीं है लेकिन एक्चुअल वैल्यू 11,000 आ रहा है 11,000 आ रहा है अच्छा यस सर सर यहां तो 1068.75 आ रहा है 8460 वैल्यूज भी यही रखी हैं 8460 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइड बाय 528 मल्टीप्लाई बाय 407 डिवाइड बाय 420 अच्छा 700 अपॉन 520 लिखा है आपने 528 लिखा है क्या लिखा है कैलकुलेटर में क्या दिख रहा था 420 दोबारा कैलकुलेटर दिखाई नहीं हिल रहा बहुत समझ में नहीं आ रहा लिखा था कल उन्हीं का आंसर सही है